चलो उम्मीद करते हैं अच्छे और बढ़िया होंगे। तो ठीक है, आज हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे इस चैनल पर। ये वीडियो होने वाली है बेस, अंडरग्राउंड बेस पे, ठीक है, कि वो बेस आखिर हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें मतलब मुश्किल नहीं है, ठीक है, आपको ये वीडियो बस स्टेप बाय स्टेप देखना है और फॉलो करना है कि किस तरह हम इस बेस को बना सकते हैं। तो देख रहे होंगे मैं, हम लोग आ चुके हैं एक नए सर्वर में। ये एक सोशल सर्वर है, ठीक है, क्योंकि ये बेस एक पार्टिकुलर जगह है जहाँ पे ही बनाया जाता है। तो आप इस सर्वर में आप देख लो हमारा ये जो क्रैक एस्पेन है, मैं आप देख लो यही वही जगह है, ठीक है। तो इस बेस को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ हम दिखा रहे हैं। तो देखो, इस बेस को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2x2 का एक रूम बना लेते हैं, जो कि सिंपल होता है, जो हमें एक अथी के द्वारा पूरा करना होता है। हमारा मिशन जो होता है, शुरुआती मिशन, उसके तहत पूरा करना होता है, जिससे कि हमको लो वर्क बेंच मिल जाएगा, ठीक है। इसमें लो वर्क बेंच का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, तो ये आगे बता दूंगा गाइस। आइए इस बेस को, एक बात और, मैं इस बेस को खुद नहीं बनाने वाला, क्योंकि अगर मैं खुद बनाता हूँ तो जो बनाया है जिस बंदे से मैं सीखा हूँ, तो उसे मतलब कोई भी मतलब उसे कोई भी अथी नहीं मिलेगा हमारे अथी से। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपना सारा क्रेडिट इसे देना चाहूँगा कि जिस बंदे ने मेरे को सिखाया, मैं उसी से बनवाने वाला हूँ ये पूरा बेस। अब मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे ये बंदा पूरा बेस बनाता है, ठीक है। इस बेस को बनाने में आपको कम से कम अच्छा 3-4 बार 5 बार 6 बार हो सकता है, मरना भी पड़ सकता है और बनाते समय, तो ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कैबिनेट वगैरह प्लेस कर लिया, तो ये पार्टिकुलर जगह ये है, आप देख लो, आप मैप में अच्छे से देख लेना। और जब आप मैप खोल के इस जगह पर पहुँचोगे, क्रैक स्पैन नाम का ये जो जगह है, क्रेक स्पाइन ना क्या नाम है गाइस, ये मेरे को अभी दिख नहीं रहा, तो ये भी इसको छोड़ते हैं, ठीक है। आप इस जगह को देख ले, ये इसी जगह पे बनेगा, ठीक है। आप एकदम पूरा ध्यान से देखना कि कैसे कैसे बनते, कोई भी स्टेप मिस मत करना गाइस, ठीक है, क्योंकि ये इस बेस को मैं खुद नहीं बना रहा हूँ और इस बेस को मेरे जो फ्रेंड बना रहे हैं, तो मैं सारा क्रेडिट इसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना इसी से बनवा लूँ ये पूरा बेस, जिससे कि आप लोग और अच्छे से समझ सको। मैं हो सकता है मतलब अगर चाहो तो मैं भी बना के दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने इस बेस को पूरा देखा है अपने सामने बनते हुए, ठीक है। तो ये देखो पहले इस भाई साहब ने क्या किया, ये आपने जो डिज़ाइन देखा कि इसने पहले 2 बेजल लगा दिए, एक बेजल जो कि नीचे गया, और ये एक है एक सीढ़ी लगाने वाला है, ठीक है, स्टेयर समझ लो या जो भी है रूफ टाइप का। तो एक बेजल एक रूफ इसने लगा के फिर इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये पहले ये जो हाफ बॉल है किस लिए, तो ये रहा हमारा यहाँ पे होगा प्लेस अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि लो वर्क बेंच, ठीक है। इस बेस को बनाने के लिए आपको लो वर्क बेंच की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप चाहोगे कि हम इसी तरह अंदर चले जाए तो ये अंदर जाना मुश्किल होता है, इसीलिए लो वर्क बेंच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण एक ग्लिच होता है और हम लोग ईजिली अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि अब हम अंदर कैसे जाते हैं। मैंने तो ये बता दिया था गाइस कि किस तरह आपको अंदर जाना है, बाहर आना है, ठीक है। अगर आपके पास टर्फ नहीं होगा तो आप अंदर बाहर नहीं जा सकते हो। इस बेस में एक और ख़ास चीज़ है गाइस कि आप इसकी एक बहुत ही कमज़ोर चीज़ है, अगर आप इसे तोड़ देते हो तो ये बेस पूरा अंदर का भी टूट सकता है, पूरा नहीं टूटेगा, शायद कुछ बच जाए हिस्सा, क्योंकि मतलब उस तरह तो दिमाग लगा के ही बनाया जाता है ना, कि मतलब अंदर में पूरा नहीं टूटे। आप देखना इस बेस को बनाते बनाते हम पे हमला भी हो गया, और जो इस सर्वर का एडमिन था वो उनसे भी हमारी फाइट होगी। और देखना एक चीज़ और, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक और है कि इस सर्वर में आप तो मतलब ये सोशल सर्वर है ना, तो कोई बात नहीं, अगर आप दूसरे सर्वर में खेलते हो, ठीक है, तो और इस सर्वर में भी गाइज, किसी भी सर्वर में आप अंदर से भी फाइट ले सकते हैं इनमें से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना गाइज कि अंदर से फाइट लेने की जरूरत कोशिश मत करना, क्योंकि ये सोशल सर्वर में, इसीलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफिशियल सर्वर में अंदर से फाइट लोगे गाइस, तो आपको ग्लिच के द्वारा बैन कर दिया जा सकता है, ठीक है। और इस बेस को बनाना गाइस अपने अथी पे, कि ये बाद में मत बोलना भाई कि मैं बैन हो गया, ये हो गया, तो कैसे मैं बचूं या क्या करूं। तो इस बेस को अपने दम पे बनाना, ठीक है, कि अगर आप सर्वाइव कर सकते इस बेस के साथ ऑफिशियल सर्वर में तो करना। और हाँ, अगर इस बेस के साथ खेलते हो तो कोई बस जानकार लोगों के ही साथ खेलना है, जो कि आपके फ्रेंड है, जो कि आपको रिपोर्ट वगैरह ना करे, उसी के साथ खेलना। नहीं तो पता चले आपने आज बनाया, कल बैन हो गया, फिर बोल रहे हो कि इनके भाई मैं बैन हो गया, मुझे अब फिर से अथी कराओ, ठीक है। तो बैन होने के बाद भी अगर आप चाहो तो मतलब अनबैन हो सकते हो, ये इस पर एक छोटा ट्रिक, छोटा सा ट्रिक लगाना होगा, ठीक है, जिससे कि आप अनबैन हो सकते हो। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा पार्टिकुलर। तो अभी हम चलते हैं इस बेस को देखने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारी वुड वगैरह आ चुकी है, और इस सर्वर में गाइज हमारे साथ बहुत ही रॉन्ग थी हो रहा था, बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहा था मेरे साथ, ग्लिच क्या मतलब लैग हो रहा था ये गेम मेरा,
पता नहीं क्यों शायद इसमें मतलब अच्छे खासे गन दे रहे थे ये सर्वर। ये देखो इस बंदे के साथ भी लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो इसे बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट के साथ मैं बोला कि भाई ये बेस आप बना के दिखाओ मेरे को, ठीक है, मेरे दोस्तों के लिए, तब ये बंदा माना है। और आप लोग इसे इस वीडियो को मिस मत करना गाइज, किसी भी पार्ट को अगर मिस कर दोगे यार तो फिर बाद में बोलोगे भाई मुझसे बना नहीं, मुझसे बना नहीं। मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, कैबिनेट हम लोग बाहर में लगा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना गाइज कि जब भी आप कैबिनेट लगाना तो इस बेस को पूरा डिजाइन हो जाने देना, ठीक है। बेस की पूरी डिजाइन पहले तैयार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, कि कैबिनेट पहले मत लगाना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था वो कैबिनेट मैंने थोड़ा सा दूर में लगाया है, ठीक है, तो आप लोग भी पहले मत लगाना। तो ये थोड़ा सा डिजाइन गड़बड़ हो गया मेरे फ्रेंड ने बोला, और तब हम लोग यहाँ पे फिर से एक डिजाइन करने वाले, क्योंकि ये नीचे वाला बैजल ठीक से बैठा नहीं था। तो देखता हूँ इस बार ये सही से लगा पाते कि नहीं, उम्मीद है सही से लगा लेंगे। लगाओ भाई जल्दी। ओके भाई, तो हमारे दोस्त ने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पे बैजल लगानी है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये किधर लगाए। अरे बीच में यार, दोनों के बीच में, हाँ यस। चलो तो इस बार इन्होंने बेजल ठीक ठाक लगा लिया गाइज, अब ये क्या करने वाला तो देखते हैं। अभी इन्होंने सबसे पहले एक ये जो बॉल डाला, जिससे कि आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये ग्लिच हो चुका है, इसके ऊपर जो रूफ डाली गई वो आधा से ज़्यादा ग्लिच हो गई। अब इससे पहले हम चारों तरफ से पैक कर लेंगे कि जिससे कि हमें किसी और इनिमी का डरना। एक चीज़ और करना गाइज, जब इस तरह का अगर आप बेस बनाना तो इसको बाहर से भी आप नहीं होगा ना, तो कुछ एक मतलब फालतू सा एक मतलब एक कवर कर देना, कि जिससे किसी को पता ही नहीं चले कि आपका अंडरग्राउंड बेस है, ठीक है, किसी को पता ना चल सके कि आपका अंडरग्राउंड बेस है। इसे जब आप बाहर से भी पूरा फुल्ली कवर कर दोगे, तो मैं तो इसमें कवर नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा दिखा दे रहा हूँ बातें कि आपको किस तरह इस बेस को तैयार करना है। अंदर के डिज़ाइन वगैरह भी मैं दिखा दूंगा, और हाँ जो भी तैयार करना गाइज वो थोड़ा अपना हिसाब से तैयार करना ना, हम तो केवल बेस का वो बेजल लगा के बता रहे हैं कि किस तरह आप लगाओगे। यहाँ जो शुरुआती पॉइंट है इसे ध्यान से देखना गाइज कि ये कैसे लगाया जा रहा है, ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बनाने में, और आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप सोलो हो, डुओ हो, ट्राई हो, या चार लोग भी या फ्रेंड्स के साथ भी खेल रहे हो, तो आप इजीली इसमें सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कि इस तरह के बेस में अंदर जाने के लिए आपके पास टर्फ होना चाहिए या बेस आपका अपना होना चाहिए। देख रहे होंगे कि मेरा फ्रेंड इजीली अंदर जा चुका है, तो अब हम लोग भी चले, अब हमें भी अंदर जाना चाहिए। तो ये देखो, तो ओके, तो वो बाहर निकल गया क्योंकि वो शायद अंदर में मर गया था ग्लिच के कारण, तो कोई बात नहीं। तो ये फिर से आ चुका है, जिंदा हो गए। ये देखो, ये थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। सिट सिट सिट, मैं तो अटक गया यार, मुझे निकालो भाई, मुझे निकालो यार, निकालो। चलो मैं निकल गया, हाँ ये सही है, मैं तो निकल गया भाई। तो अब हम लोग मैं निकल चुका हूँ। ये फिर से अटकाने के चक्कर में, ये देखो मैं फिर से अटक गया, तो बच गया। तो अच्छा, ये खुद अंदर जाने के चक्कर में है, तो इसने एक गन, ओ भाई। तो ये देखो यहाँ पे ये फिर सब किस तरह कर रहा, तो इसने उस मिडिल बेंच को घुरा दिया है, लो वर्क बेंच को अपने, और उसके बाद अब देखते हैं ये क्या करता है। तो ये तो अंदर जा चुका है शायद, ओ नहीं नहीं अभी नहीं किया, तो हाँ अब ये चला गया, ठीक है भाई। तो अभी अंदर जा चुका है, तो अब मेरे को भी जाना है, तो मेरे से भी अब घूमने का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि इसने कैबिनेट लगा के मेरे को टर्फ दे रखा है इस बंदे ने। तो ओके गाइज, ओ यार क्या यार, मेरा तो फंस ही जाता है गाइज, मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है मेरे को लग रही है जैसा। ओके तो इस बार देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ। आप भी अगर दो चार बार फैल हो जाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप ट्राई करते रहना, आप भी चले जाओगे अंदर। तो ये देखो, ये थोड़ा सा एकदम सही जगह, हाँ तो इस बार मैंने एकदम पक्का सही जगह एकदम मैंने अंदर गया हूँ, जिससे कि मतलब मैं अंदर आ चुका हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह का अंदर का ग्लिच है, ठीक है। ये देखो, तो मेरे फ्रेंड यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे दो चार बैग लगा देते हैं, कि जिससे कि अगर आपको, क्योंकि देखो गाइस इस तरह का जब आप बेस बनाते हो ना, तो आपको बहुत बार अंदर में ग्लिच होता है, अंदर में बहुत तरह के ग्लिच होते हैं जिसमें कि आपको मरना पड़ सकता है, ठीक है। बार बार आप मरोगे तो फिर आप कहाँ स्पॉन होगे, ठीक है। तो इसीलिए आप सबसे ज़्यादा कोशिश करना यहाँ पर चार पाँच बैग लगा लेना। तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड चार पाँच बैग पहले लगा लेता है, वो मेरे से क्लोथ वगैरह मांग रहा है, तो मेरे पास तो क्लोथ है नहीं, तो मैं इसे बोला कि भाई तेरे पास जो है उसी से बना के लगा दे। तो ये देखते हैं बना रहा है शायद। देखो यहाँ से आप अंदर से, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ कि अंदर से आप बाहर का नज़ारा इजीली देख सकते हो। आपने थंबनेल में देखा होगा कि अंदर से मैं बाहर का नज़ारा दिखा रहा था आपको, थंबनेल में मैंने वही दिया है पिक्स के, आप अंदर से बाहर भी कैसे देख सकते हो, ठीक है, इजीली आप देख सकते हो। तो यहाँ देखो इन्होंने, ये देखो आप पेड़ वगैरह देखो एकदम ईजिली, यहाँ पर लगता है कोई बंदा है मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ पर फायर करके भी आपको दिखा रहा हूँ, देखो एकदम ईजी आप बाहर में फायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ऑफिशियल सर्वर में आप लोग इस तरह मत करना कि अंदर से ही फायर करना। देखो यहाँ पे मेरे को गन्स की आवाज़ आ रही है, मेरा फ्रेंड यहाँ पे नीचे उतर चुका है। तो अब ओ सिट 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 यार, मेरे से गलती हो गई गाइस, या मैं गलत जगह उतर गया ये देखा। तो आप अंदर से भी अचानक बाहर आ सकते हो, लेकिन थोड़ा ग्लिच है ठीक है, लेकिन उस तरह कोशिश मत करना यार मेरे जैसा, नहीं तो कभी कभी अटक भी जाओगे। मेरे को फिर से जाना होगा अंदर, अब घूम जा भाई। सही में यार ये तो मतलब ये बंदा बहुत ही प्रैक्टिस वाला है ठीक है, इसके जैसा मैं तो नहीं कर सकता। ओके तो यहाँ फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और इस बंदे ने दो तीन बेड लगा चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को इसने कुछ मेडिसिन वगैरह दी है। तो ये देखो गाइस यहाँ तक हम लोगों ने बनाया था, और इस भाई साहब ने एक और यहाँ पे फिर से लगता है हम लोगों को बनाना पड़ा। ओ सिट यार, मेरा दोस्त तो फिर से मर गया। कोई बात नहीं, ये तो मरते ही रहता है। ओके गाइस तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा फ्रेंड बार बार मर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे जब बेजल आप लगाओगे ना तो एक लैग टाइप का हो जाएगा, या आपका गेम मतलब बोला जाए तो वहाँ पे आपको बग ऐसे बग है ये सारा। तो इसलिए बग के अंदर जब आप इस तरह करोगे तो आपको मतलब प्रॉब्लम तो होगी। तो मेरे को आप देख रहे हैं कितने सारे मेडिसिन वगैरह मिल चुके हैं। तो ये सर्वर चाहे जिसका भी था वो शायद पूरा मतलब मेडिसिन की उसको कमी रही होगी, तो इसलिए सोचा चलो सबको बांट देते हैं ठीक है। तो इसीलिए उस बंदे ने सबको अच्छी खासी मेडिसिन बांट चुके। तो ये देखो गाइस इस बेजल के ऊपर पहले ही आपको हाफ बॉल लगा लेना है ठीक है। ये जब हाफ बॉल लगाओगे तो आप इसके ऊपर इजीली आप अंदर में वो लगा सकते हो ना रूफ टाइप का। तो ये देखो हमारे फ्रेंड ने वो लगा दिया है। ये मत सोचना गाइस कि मैं इस बेस को क्यों नहीं बना रहा, मैं इस बेस को इसीलिए नहीं बना रहा गाइस, एक हो सकता है कि बैन होने का भी प्रॉब्लम हो मेरे को, क्योंकि अगर हम बार बार मतलब नॉकआउट होते या कुछ भी होते गाइस, तो मैं जो भी बात बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, तो आपको सिस्टम चेक करेगा कि ये बंदा इतना बार नॉकआउट क्यों हो रहा है, इतना बार मर क्यों रहा। तो ये देखो गाइस मैं भी गलती से यहाँ पर नॉकआउट हो जाता हूँ इससे गिरने से, लेकिन मेरा जो भी है ये ब्रो, तो ये आके मेरे को मेरा पार्टनर आके यहाँ पे रिवाइव कर देता है। तो यहाँ पे देखो हम बच जाते हैं। तो अब देखो अब ये हम यहाँ पे एक और बेजल इसने लगा दिया है ठीक है। आप ध्यान से देखना और जल्दी जल्दी मतलब मैंने थोड़ा सा कोई भी स्पीड नहीं किया जान के कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी स्पीड नहीं किया। और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे गाइस तो कमेंट जरूर करना ठीक है। अगर आपको वीडियो ख़राब लगे तो डिसलाइक करके भी कमेंट करना कि कहाँ पे आपको ख़राब लगी और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आता है गाइस तो कमेंट करो, मैं इसका पूरा बताऊंगा और भी जितना अच्छा सोच सके मैं बताऊंगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं यार कि आप लोग भी मतलब अच्छे से इस तरह का बेस बनाओ ठीक है। और जितने भी नए बेस के ट्रिक्स आएंगे गाइस मैं आपको सारा बताऊंगा कि आप कितना इजीली इसमें सर्वाइव कर सकते हो ठीक है। अगर आपको गन्स वगैरह की भी अगर चाहिए प्रैक्टिस की, इसमें आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, या फिर आप इसमें कैसे इजीली मतलब आप अपना एमिंग वगैरह कैसे ठीक कर सकते हो, तो मैं इस पर भी बना दूंगा सारी वीडियो की कैसे आप इसमें एक प्रो खिलाड़ी की तरह एमिंग अपना सेलेक्ट कर सकते हो, टिप्सी जी जैसा ठीक है, उनके जैसे आप कैसे आप अपना गन्स का स्कोप वगैरह सारा आप सही से सेट कर सकते हो, तो मैं उस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द ठीक है। ठीक देख रहे होंगे कि आपका ये जितना भी है, तो ये देखो इन्होंने इस भाई साहब ने यहाँ पे दो और बेजल लगा दिया है ठीक है। बेजल नहीं, इसे तो रूप कहते हैं ना, इससे रूप कहते हैं जो ऊपर छत पे हैं जिसके द्वारा हम छत बनाते हैं ना, तो ये वही रूप है। तो ये क्या कर रहा कि नीचे से अपने सारे बैग को ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा, क्योंकि हो सकता है इसमें मैंने आपको पहले ही कह दिया गया जिसमें बहुत बार मरना पड़ सकता है, क्योंकि इसका बेजल जल्दी लगता नहीं है, जब लगता है तो थोड़ा ग्लिच हो जाता है ठीक है। लेकिन आप इजिली लगा सकते हो, अगर थोड़ा सा ग्लिच करके आप भी देखो तो थोड़ा सा हिलते डुलते लगा लेना, जिससे कि आप थोड़ा सा मतलब मर तो जाओगे लेकिन आपका बेजल वो लग जाएगा फाइनली। यहाँ पर देखो इन्होंने हाफ बॉल डाल दिया है कि यहाँ से यहाँ पर इसके ऊपर भी ये लगा सके एक ठीक है। तो ये देखो ओ भाई, तो इन्होंने यहाँ पे वो विंडो लगाने का ठीक किया है कि बाहर भी ये मतलब बंदे से निपट सके। यहाँ पे आप आयरन विंडो जो भी आपको विंडो लगाना है यहाँ पर, तो पहले इन्होंने ये वुड वाले विंडो का अथी बना दिया ठीक है, लेकिन इसके बाद ये शायद इसमें आयरन विंडो वगैरह प्लान करके लगा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ गाइस कि आप इसके अंदर कैसे आप इजीली बेस बना सकते हो ठीक है। एक चीज़ मस्ट एकदम याद रखना गाइस, इसके अंदर कैबिनेट जल्दी प्लेस मत करना, अगर जल्दी प्लेस कर दोगे गाइस तो आपको बनाने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा देख लो आपके कैसे कैसे मैं यहाँ पर मतलब मेरे फ्रेंड यहाँ पर कैसे लगा रहे हैं ठीक है, तो आपको भी ईजी हो गई। तो यहाँ पर ये इसका हाफ बॉल लग नहीं रहा था, तो ये फिर से आ गए जहाँ से अंदर बाहर जाने वाला रास्ता, यहाँ पर भी इसने विंडो लगा दिया कि मतलब कैसे आप यहाँ से भी अंदर बाहर तो आ जा सकते हो, और साथ में तुम यहाँ पे आप लोग ये भी मतलब विंडो लगा के यहाँ पे फाइट भी ले सकते हैं हम लोग, कभी होता है ना डोर कैंप वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से हम लोग।
अब मेरा फ्रेंड ऊपर आ चुका है इसके, तो ऊपर में तो बात बनी नहीं, तो फिर से हम लोग नीचे आ गए। ये देखो तो यहाँ पे एक और हाफ बॉल लगा लग गई है। अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं, ओ भाई लगा दे। चलो तो इसके ऊपर भी इन्होंने रूफ डाल दिया, लेकिन गाइस मेरा फ्रेंड बहुत बार इसमें मर जाता है, इसीलिए इसने इतने सारे बैग लगा रखे हैं। ठीक है, तो समझ ही रहे होगे क्यों इतने सारे बैग लगे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन लास्ट में देखना गाइज, बहुत ही मज़ा आने वाला है, हमारी फाइट हो जाती। तो गाइज अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक बेस आपको लगभग लगभग आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि कैसे हम अंदर में अंडरग्राउंड बेस वगैरह बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक, ओ शिट यार मैं तो गिर गया। चलो कोई बात नहीं, हमारा बैग यहाँ पे लगा हुआ था, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो इन सबको सेव कर लेना गाइज अपने खुद से, ठीक है। तो जहाँ तक हो रहा मैं आपको सेव करके भी दिखा दे रहा हूँ कैसे यहाँ पे सेफ हो रहा। तो ये देखो मेरा फ्रेंड फिर से आ गया है। तो भाई यहाँ पे बताओ यार कैसे सेफ होगा। तो ओ अच्छा, ये इधर से लगाना होगा। हाँ चलो चलो यार, कुछ तो लगा, चलो ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने बॉल वगैरह, देखो भाई जब आपका अंडरग्राउंड बेस रहेगा गाइस, तो इसे भी तो अंदर में कोई इतना देखने वाला है नहीं, तो आप इजीली जो भी डिजाइन, जैसा भी डिजाइन आपसे बन सके गाइस बना लो। लेकिन बेजल इसका किस तरह लगाना है मस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट वो है, क्योंकि जब तक बेजल नहीं लगेंगे तब तक ऊपर का आप स्ट्रक्चर नहीं तैयार कर सकते किसी भी बेस का। तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे बेजल लगाया, कैसे अब हम लोग इस बेस को अच्छे से कवर कर देते हैं विंडो वॉल से, कि जिससे कि हम अंदर से भी फाइट ले सकते हैं अपने इनिमी से। क्योंकि देखो भाई ये पारदर्शी बेस बन गया है, क्योंकि अगर हम ईजी अंदर से चाहें तो फाइट ले सकते हैं अपने इनेमी से। इसीलिए यहाँ पे मेरे दोस्त ने विंडो लगा के दिखा रहा है कि भाई तुम यहाँ से अंदर से इजीली फाइट ले सकते हो। तभी ये इधर एक कैबिनेट यहाँ पे प्लेस करने वाला है। तो ओके भाई, तो हमारे दोस्त ने यहाँ पे एक कैबिनेट प्लेस कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने एक चिमनी भी बना दी है छोटी सी, जहाँ पर हम लोग खाना वगैरह बना के, क्योंकि भूख लग चुकी है हमें, इतना देर तक बेस बनाते बनाते अच्छा टाइम लग गया था गाइस। इस बेस को तैयार करने में मेरे को कम से कम 1 घंटा का टाइम लग गया था, ठीक है, हमारे दोस्त को भी। तो इस बेस को बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा गाइस, ऐसा मत सोचना कि मेरे को हम लोगों को टाइम नहीं लगा, यहाँ पर टाइम लगा। और साथ में देख लो क्या लैग है यहाँ पर, ये देखो मेरा दोस्त तो हवा हवाई बन गया है एकदम हवे में। ये देखो कहाँ चला गया यार, ये तो बड़ा ऊपर ही चला गया। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो यहीं तक, आपने सीख लिया कि अंडरग्राउंड बेस कैसे बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे हो जाती है वीडियो समाप्त। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो यार, ठीक है। लेकिन लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अगर नए हो गाइस तो कर देना यार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। ओए ये था क्या? ए ब्रो दिल पे मत ले, ये गेम का एक बग होगा। कहने का मतलब क्या, हम लोग चू? जो भी था भाई अच्छा लगा। ठीक है तो, ठीक है गाइस, तो आज की